हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कई भागों में आज से 31 मार्च तक मौसम खराब रहने की संभावना है। राजधानी शिमला व आसपास भागों में आज सुबह से हल्की धूप खिलने के साथ बादल छाए हुए हैं। अभी प्रदेश में एक फीवर डब्ल्यूडी अप्रोच करने वाला है, उसके चलते प्रदेश में ऑलरेडी देखिए मतलब क्लाउडिंग शुरू हो चुकी है। और 22 तारीख को जो हमारे हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं और जो मिडिल के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे एक दो स्थानों में बारिश होने की संभावना है। फिर देखिए 28 तारीख को ये जो रेनफॉल एक्टिविटी है ये पूरे प्रदेश में ही होने की संभावना है। और फिर एक WD प्रदेश को फिर से इफेक्ट करेगा 29 तारीख को। तो इसके चलते देखिए 28 तारीख से लेके 31 मार्च तक ये जो बारिश का जो दौर है ये पूरे प्रदेश में देखने को मतलब मिलेगा। इसके चलते देखिए 28 तारीख से देखिए 28 29 30 31 को जो हमारे क्षेत्र हैं कांगड़ा मंडी कुल्लू शिमला सिरमौर सोलन यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की भी संभावना है, साथ में तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं और कुछ एक स्थानों में ओलावृष्टि होने की भी संभावना है इसी दौरान। और ये जो स्पेल है जो देखिए 28 तारीख से शुरू होगा ये 31 तारीख तक जारी रहने की संभावना है। फिर 1 अप्रैल से जो मौसम में तो थोड़ी कमी आएगी। देखिए जैसे ये एक्टिविटी शुरू होगी 28 तारीख से, तो जो हमारे क्षेत्र हैं मिडिल क्षेत्र हैं कांगड़ा है मंडी कुल्लू है बिलासपुर हमीरपुर सोलन भी है सिरमौर शिमला, तो यहाँ पे देखिए थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना जरूर है और इसके चलते येलो अलर्ट जारी किया है। साथ में ओलावृष्टि भी हो सकती है और तेज़ हवाएं चल सकती है। और देखिए 30 तारीख को जो कुछ एक क्षेत्र है हमारे चंबा कांगड़ा कुल्लू और मंडी यहाँ एक दो स्थानों में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है और इसके लिए अभी अलर्ट जारी किया है। यहाँ से अभी तो बर्फबारी केवल जो ऊपरी क्षेत्र हैं जैसे लाहौल स्पीति और किन्नौर उसमें भी जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, ऐसे कोई मेजर कोई ऐसा मॉडरेट स्नोफॉल नहीं हो, केवल जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं इन दो डिस्ट्रिक्टों में संभावना है बर्फबारी होने की। और बाकी जो शेष जो डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे जो इवन जो प्लेन के क्षेत्र हैं तो इसी दौरान मतलब वहाँ पे बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और तापमान की बात करें देखिए अभी जो दिन के तापमान है पिछले 24 घंटे के हालांकि सामान्य से अधिक थे, परंतु जैसे आप देखिए ऑलरेडी क्लाउडिंग शुरू हो चुकी है पूरे प्रदेश में, तो जो दिन के तापमान हैं वो सामान्य ही रहेंगे इस स्पेल के दौरान। तो शिमला का अधिकतम तापमान था पिछले 24 घंटे वो 19.4 डिग्री सेल्सियस था जो कि सामान्य से 3 डिग्री अधिक था, और जो न्यूनतम तापमान था वो था 10 डिग्री, और जो सबसे अधिकतम तापमान था वो ऊना में था 33.6 डिग्री सेल्सियस। और अगर मनाली की बात करें तो मनाली में 20 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया पिछले 24 घंटों में, और वहीं अगर सोलन की बात करें तो वहाँ 26 डिग्री के आसपास दिन में जो तापमान रिकॉर्ड किए गए थे। अभी जैसे आज देखिए ऑलरेडी क्लाउडिंग है पूरे प्रदेश में, तो इसके चलते जो दिन के तापमान है वो हालांकि सामान्य रिकॉर्ड किए जाएंगे, मतलब कल की अपेक्षा उनमें गिरावट दर्ज होने की संभावना बनी रहेगी। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।